हेलो माय टू फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप आप सब लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। तो भाई आज का सीन हमारा कुछ इस तरीके का है। तो पहला काम है आज, तो सबसे पहले कराएंगे भाई अपनी गाड़ी की वॉशिंग, क्योंकि गंदी हो रही है थार काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद से फिर चलेंगे एक प्यारी सी लोकेशन में, वो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और बाकी कल मैंने भाई ट्रैक किया था छोटा कैलाश पर्वत का, तो आई होप वो वीडियो अभी तक आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से इस ब्लॉग के बाद उसको भी देख लें भाई। और बाकी वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वो प्लीज़ ना भूलें। क्योंकि तो आप निकलते हैं, अभी मैं अपने दोस्त का वेट करता हूँ, तो जैसे ही वो आता है तो यहाँ से फिर हवा होते हैं जल्दी। और तो ये आ गए भाई योगेश बादशाह, अपने हाई करते भाई तगड़े करके। तो ये गाइस थार अपनी, और ये देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। परसों इससे मैंने ऑफ रोडिंग करी थी, तो पूरी एकदम धूल मिट्टी में सनी हुई है। और गाड़ी भाई साहब जब तक चमक और साइन ना मारे ना, तो मज़ा नहीं आता चलाने में। तो आज सबसे पहले भैया इसको ओके की रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद से बढ़ेंगे आगे। तो ये गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं भाई घर से। और पहले जो मेरा प्लान था, पहले मैं सोच रहा था कि गाड़ी को चल के पहले वॉशिंग की तरफ ले जाएंगे, पर क्या है कि अभी हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सड़कें अच्छी खासी खराब है भाई, तो गाड़ी ने फिर गंदा हो जाना है। तो गाड़ी वॉशिंग का काम करेंगे लौटते टाइम। और बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ कोटाबाग, तो काफी टाइम से मैं घर से बाहर था भाई, तो थोड़ा सा क्या है कि शांति में बैठने का मन है, तो आज कोटाबाग चलेंगे। काफी पीसफुल जगह है। और यहाँ पे आप कैसे आ जा सकते हो, तो मैंने पहले भी काफी सारे ब्लॉग यहाँ के बनाए हैं, और लिंक आपको स्क्रीन में मेंशन हो रहा होगा, तो वो ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद आप जरूर देख लें। और बाकी चल के अभी मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा भाई साहब, एक नंबर है, एक नंबर लोकेशन, मजा आ जाएगा कसम से। और बाकी चल के वहाँ आज खाएंगे मैगी, पहाड़ों पर मैगी खाने का जो फील है वो असल आ जाएगा, क्यों भाई। तो ये गाइस अभी हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं, जो जो नेचर ने अपना रूप है वो दिखाना भाई स्टार्ट कर दिया है। और बाकी ये आप देखो कितना खूबसूरत ये व्यू लग रहा है। और बाकी जो सामने के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, तो वो ही हमारी फाइनल मंजिल है, तो वहीं हमको जाना है। तो ये गाइस अभी बढ़ रहे हैं हम आगे को। और बाकी रोड आप देखो कितना ज्यादा खराब है, और धूल वूल इसमें अच्छी खासी उड़ रही है भाई, कैमरे में तो उतनी दिख नहीं रही होगी। तो जो है डिसीजन मैंने लिया था गाड़ी बाद में धुलवाने का, तो आप प्राउड फील हो रहा है उस वाले डिसीजन पे। ये आप देखो सारा रोड एकदम टूटा हुआ है। और बाकी थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ भाई साहब आपका दिल जीत लेंगे, इस बात में कोई शक है नहीं। तो ये लो भाई आज की हम जो लोकेशन थी हमारी कोटाबाग रानी कोटा, वहां पे हम फाइनली पहुंच चुके हैं। इस तरफ थार अपनी पार्किंग में लगा दी है भाई साइड में, और इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा भाई एक ब्रिज, और इधर से जा रही है एक नदी, दापका नदी। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदी का व्यू, और ऊपर से ये पुल, तो ये भाई मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। तो अभी मैं आपको ओवरऑल एक बेहतरीन सा यहाँ का सिनेमेटिक शूट करके दिखाता हूँ, और उसके बाद से भाई नदी में चल के खाएंगे मैगी, और उसमें एक अलग ही फील आएगा कसम से। तो ये गाइज अभी इस वाले पॉइंट से कुछ मैंने बेहतरीन से सिनेमेटिक शॉट लिया, आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे। और बाकी क्या है कि हमारी मैगी भी बनके रेडी हो चुकी है, तो नीचे रिवर में अब चलते हैं और वहाँ चल के मैगी का भाई वो लुफ्त उठाते हैं बढ़िया करके। तो ये गाइज सामने आपको दिख रही होगी हमारी गाड़ी, और उसी से ठीक है ब्रिज से लगता हुआ यहाँ पे एक मैगी पॉइंट है, बड़ा शानदार सा, जहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप अपने को नेचर से जुड़ा हुआ एकदम कनेक्टेड फील करेंगे। और ये है भाई यहाँ पे मैगी पॉइंट, कहाँ है भैया, कहाँ है
तो ये आ गए हैं भाई भैया, और ये अपने भाई सब्सक्राइबर भी हैं काफी पुराने, क्योंकि यहाँ मैं आते रहता हूँ बार बार। ठीक है, और आपने वीडियोस वगैरह देखी, अच्छी लग रही है? जी बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रही है ना। ठीक है, मैगी रेडी हो गई अपनी? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडी है। तो उस तरफ हम रिवर पे चलते हैं, वहीं भिजवा देना। ठीक है, हो जाएगा। और ठीक इस तरफ आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारी 5-7 हट बनी हुई है, जहाँ पे आप बैठ के नदी के किनारे भाई जो है वो मैगी का भाई आनंद ले सकते हैं। और ये आप देखेंगे, आई लव वाटिका कोटा बाग। तो ये गाइस ठीक, अभी हम उस वाले पुल के भाई ऊपर थे जहाँ से मैंने अभी आपको एकदम जन्नत भरे दर्शन करवाए नेचर के, और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा चल के पहुँच चुके हैं नदी के पास। और कसम से थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसमें आज पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है भाई, नहीं तो ये नदी इतना ज़्यादा भर के चलती है कि पानी का कुछ नेक्स्ट लेवल शोर यहाँ पे सुनने को मिलता है। तो ये गाइस आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म मैगी, और नदी के साथ बैठ के यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, और पानी का शोर आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है भाई एकदम तगड़े वाला है, तगड़े वाला। तो अब मैगी को एंजॉय करते हैं, उसके बाद से फिर मिलते हैं आपसे। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वॉशिंग सेंटर पे, और ये हमारी भाई सड़कों का हाथी महिंद्रा थार ने नहाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर, और चेंज वेंज करके एकदम बेहतरीन जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है भाई वो आप देखा जाएगा। तो गाइस मिलते हैं एक बेहतरीन से न्यू ब्लॉग के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई।